नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। बिहार से खबर आ रही है जहां पर एक पत्रकार को निशाना बनाया गया है। दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार की हत्या कर दी गई है। हैरत की बात है, उनके घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या घर में घुसकर कर दी है बदमाशों ने पत्रकार को कई राउंड गोली मारी है। सरपंच की हत्या का मुख्य गवाह था विमल यादव। चौंकाने वाली बात है, सोचिए जरा, सरपंच की हत्या का एकमात्र गवाह मुख्य गवाह था और उनकी भी हत्या कर दी जाती है उन्हीं के घर में घुसकर। कहा जा रहा है कि 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह की ये घटना है। बदमाश घर में घुसते हैं, ताबड़तोड़ हमले करते हैं। पत्नी रोती बिलखती रहती है, चिल्लाती रहती है, तब किसी तरह से जाकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमने हमारे एक साथी को खो दिया, एक पत्रकार की जान चली गई। 6 महीने फटसिन आवाज निकल ले त ई जा वने से हम कोना पड़े छे घर, वने से जा हम दौड़ के जेबे त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले, पुजारे हमको मार दिया। बल्ले एकरा पकड़ लिए त बेहोश भ गेलै। कते लोग, कोई लोग नै रह, तखनी सुतले रह, सब ठीक रह। रुक करेंगे पटना का हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जरा हमें ये बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बिहार में काबा, और खासकर तब जब कल सूबे के मुख्यमंत्री जाते कह के जाते हैं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार में क्राइम कम है, और देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो बयान आता है और उसके बाद, जबकि उसके एक दिन पहले ही 15 अगस्त के दिन समस्तीपुर में एक दरोगा की हत्या हो गई, थानेदार की हत्या हो जाती है, जो थानेदार भी अररिया का रहने वाला था। और आज सुबह जो वारदात घटी है उससे भी साफ हो जाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रह गई है। जो पत्रकार हैं दैनिक जागरण के रानीगंज के, अररिया के रानीगंज के पत्रकार थे, 6 महीने पहले इनके भाई की हत्या हो जाती है जो सरपंच थे इलाके के, और उस घटना का मुख्य गवाह ये पत्रकार विमल कुमार यादव थे, जो उस मामले में लगातार अपनी कोशिशें जारी कर रहे थे अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। और अब इस केस का ट्रायल शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ये लगातार धमकियों के बावजूद इस केस के ट्रायल्स कराने से पीछे नहीं हट रहे थे। लगातार ये गवाही दे रहे थे, जबकि कई बार इन्हें धमकियां मिल चुकी थी। और आज सुबह में भी जब अपने घर में थे, करीब 5:30 बजे की वारदात बताई जा रही है, 4 लोग इनके दरवाजे पे आए थे और विमल भैया करके आवाज लगाई, और जैसे ही ये घर के दरवाजा खोलकर बाहर निकले तब लगातार गोलियों की बारिश कर दी गई। करीब 5 से 6 राउंड गोली चली थी, लेकिन एक गोली जो है सीधे सीने में जा लगी और उसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान विमल यादव की मौत हो गई थी। आपको बता दो, जो परिवार वालों का कहना है कि इससे पहले भी उन लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं गवाही नहीं देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये गवाही देने जा रहे थे और केस का ट्रायल शुरू हो चुका था। और लगातार जो धमकियां मिलने के बावजूद ये इस बात से बेखौफ थे कि वो अपने भाई के हत्यारों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद इनकी ही हत्या हो जाती है। एक बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली घटना है आज का दिन, क्योंकि लगातार देखिए एक सिर्फ समस्तीपुर और अररिया की घटना नहीं है। बिहार में हम देखें तो लगातार क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार के डीजीपी RS भट्टी बने थे, दिसंबर में डीजीपी बने थे, और डीजीपी बनने के बाद ये माना गया था कि सुपर कॉप अधिकारी हैं और बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन पिछले अगर हम कार्यकाल को देखें तो एक बार भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ और इनका कहना था कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है। पटना में जुलाई महीने में 30 दिनों में 30 हत्या की घटनाएं होती हैं और SSP से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से तमाम अधिकारी में 30 हत्याएं तारीख हत्या होती है और सूबे के मुखिया कुछ और कहते हैं। अमिताभ, हमें यह भी जरा बताइएगा कि देखिए सरपंच मर्डर केस में मुख्य गवाह थे विमल, और उसके बाद धमकियां भी मिल रही थी, क्या इसके बाद भी उन्हें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई? और ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना कि कौन उठाएगा आवाज, कौन लड़ेगा इंसाफ की लड़ाई? देखिए आज ही एक खबर आई है कि बिहार की अदालतों में करीब 30 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता है अपने केस को ट्रायल कराने के लिए, जो गुनाहगार है उसको सजा दिलाने के लिए। लेकिन ये वो भाई था जो अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था और लगातार कोर्ट की दहलीज से लेकर अधिकारियों को दहलीज तक गुहार लगा रहा था। और जब इसे धमकियां मिलनी शुरू हुई थी, जो प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने इसके भाई की हत्या की थी, तो ये इसने एसपी से लेकर तमाम जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी कहा था कि उसे लगातार धमकियां मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद इनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती है। जबकि ये कोर्ट का ही निर्देश है, हाई कोर्ट का निर्देश है कि अगर किसी भी केस के ट्रायल के दौरान अगर गवाहों को परेशान किया जाता है तो स्थानीय पुलिस, स्थानीय एसपी उसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है। नतीजा यह निकलता है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है जो अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, अब राजनीतिक बयानबाजी काफी होंगी, लेकिन जो बिहार की पुलिस के जो मुख्य हालात हैं वो यही दर्शाते हैं कि आज के दिनों में बिहार की पुलिस बिल्कुल खामोश हो गई है। लगातार घटनाएं घट रही हैं लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे अपराधियों का मनोबल, चाहे वो राजधानी से लेकर हम बिल्कुल अमिताभ, सबसे शर्मनाक बात है कि इस तरह की वारदात पहली मर्तबा नहीं अंजाम दी गई है।